अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोग का? यार उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। यार मैंने सोचा इतने टाइम से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आज आपको एक ऐसी नई किस्म की चीज चेक कराऊं ना पोर्शे की, कि आपका दिल खुश हो जाए। यार ये है 2023 की पोर्शे कायन, मतलब आप लुक चेक करें, मज़ा ना है तो यार पैसे वापस वाली बात है इस गाड़ी की। तो आपको गाड़ी की मैं फ्रंट के बारे में बताता हूँ। यार आप फ्रंट पे देखें, बहुत ही खूबसूरत हेडलाइट्स हैं गाड़ी की। नीचे आप चेक करें यार, DRLs हैं खूबसूरत से चल रहे हैं, और बम्पर तो आपको नज़र आ रहा होगा, उसके साथ ही आपको नीचे बॉडी किट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल लुक है ना काफ़ी अग्रेसिव हो गई है। लेकिन यार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सीक्रेट, ज़रा करीब आए मैं आपको सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। ये जो गाड़ी है ना, ये 2023 मॉडल नहीं है, ये 2012 मॉडल की पोर्शे कायन है, जिसको कन्वर्ट किया है ऑटो 2000 वालों ने पूरे पाकिस्तान में पहली दफा, बल्कि पूरे एशिया में पहली दफा। आपको पता है गाड़ी पहले कैसे लगती थी? ये चेक करें, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था यार, पहले जो गाड़ी थी उसके अंदर और इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर सिर्फ 2 दिन लगे हैं, मतलब कि 10 साल का सफर। 2012 की गाड़ी को 2022 का करने के अंदर तकरीबन 2 दिन लगे हैं। और मैं आपको बता दूंगा इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। तो फ्रंट पे आपको सिंपल नजर आ रहा होगा कि आपकी हेडलाइट्स चेंज हुई है, उसके बाद आपका बंपर चेंज हुआ है, फिर आपके DRLs लगे हैं, और नीचे आपकी किट है। यार इस कन्वर्जन की जो सबसे बड़ी बात है ना यार, वो ये है कि ये बोल्ट ऑन बोल्ट है। बोल्ट ऑन बोल्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जो गाड़ियां कन्वर्ट होती हैं उसके अंदर आपकी गाड़ी के फेंडर कट जाते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत गाड़ी के अंदर जो है चेंजेस करने पड़ते हैं, बट ये सारी की सारी कन्वर्जन जो है वो बोल्ट ऑन बोल्ट है। मतलब हर चीज़ को, पुरानी चीज़ को निकाल के नई चीज़ को लगाया गया है, और पूरी गाड़ी के अंदर किसी भी चीज़ को जो है वो चेंज नहीं किया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा तो मैं आपको गाड़ी की साइड के बारे में बताता हूँ। आप साइड के ऊपर देखते हैं यार, गाड़ी के अंदर आपको ये नजर आ रहे होंगे जो फेंडर फ्लेयर्स हैं, इसकी वजह से गाड़ी को थोड़ी सी बल्की लुक मिल रही है। और अगर आप ओवरऑल साइड को देखें तो बाकी गाड़ी की साइड के अंदर कुछ भी नहीं चेंज किया गया, बाकी चेंज किया गया गाड़ी की बैक के ऊपर। तो आए मेरे साथ, मैं आपको चेक कराता हूं। यार अब मैं आपको बताता हूं गाड़ी की बैक के बारे में। तो यार सबसे पहले जो इस गाड़ी का ट्रंक है ना, ये पूरा का पूरा ट्रंक चेंज हुआ है। और उसके बाद आप नीचे देखें यार, ये सिक्वेंशियल रनिंग जो इंडिकेटर्स है ना, इन पे मेरा दिल आ गया है गाड़ी के अंदर। और फिर नीचे आते हैं तो आपको बम्पर मिलता है और नीचे डिफ्यूजर भी मिलता है, उसकी वजह से गाड़ी की लुक जो है ना वो ओवरऑल काफी हैवी हो गई है। और एग्जॉस्ट भी जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि चेरी ऑन टॉप ही हो गया है। यार इस इंडिकेटर के अलावा इस गाड़ी की जो बैक लाइट है ना यार, ये भी पूरी की पूरी चेंज हुई है। और यार आप यकीन करें, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत और स्लीक लुक दे रही है गाड़ी की बैक को। तो ये जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट है ना यार, ये हमारे कस्टमर की थी। उन्होंने हमें कहा था कि उनको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि बोल्ट ऑन बोल्ट हो, और ऐसा प्रोजेक्ट हो यार जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाए। तो ये जो गाड़ी है यार, हम आपको बता देंगे पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी कन्वर्जन है जो कि बोल्ट ऑन बोल्ट हुई। तो यार ये जो गाड़ी है ना यार, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इस पूरी गाड़ी
गाड़ी ने जो 10 साल की कन्वर्जन का सफर है ना, मतलब 2012 से लेकर 2022 का, वो सारा का सारा दो दिन में कवर किया है। और अब ये गाड़ी आपको बिल्कुल लेटेस्ट और ऐसी लग रही है कि रोड पे निकले तो कोई बंदा कह नहीं सकता कि यार 2023 है या 2012 है। अब मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊंगी, और जिसके ऑनर थे ना उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि यार उनको इसी गाड़ी को कन्वर्ट करना है और उनको बोल्ट ऑन बोल्ट फिनिश चाहिए, तो उसके लिए ऑटो 2000 ने स्पेशली कहा कि यार आपको हम पूरी गाड़ी जो है कन्वर्ट करके देंगे। इसके लिए उन्होंने स्पेशली 2 महीने वेट किया, इसकी किट जो है वो इम्पोर्ट हुई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यार आपकी भी कोई गाड़ी है और उसको आप चाहते हैं कि ड्रीम लुक के अंदर रेडी करना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको जिस टाइप की लुक चाहिए होगी वो आपको मिलेगी सिर्फ ऑटो 2000 के ऊपर, और वो भी इस तरह की फिनिश के साथ। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है रियत, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शे का शौक था गाड़ी का? हाँ जी शौक था, लेकिन अभी जो 3 दिन में बनी है गाड़ी और बहुत अच्छी बनी है, जबरदस्त। और जो सर पिछली लुक थी वो आपको कैसी लगती थी, और उसके बाद जो कन्वर्ट होने के बाद? जबरदस्त है ये, बहुत अच्छी बनी। और आपको मतलब फिनिश वगैरह कैसी लगी है गाड़ी? बहुत अच्छी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक चीज आपको गाड़ी का फ्रंट ज्यादा अच्छा लगा या बैक क्या अच्छा लगा? हर तरह से फिट है, मतलब आपकी तरफ से 10/10? बिल्कुल 10 है। थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।